तो पेज नंबर 25 के एंड में अब हमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज गिवन है, जिनमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में बताया गया। बहुत सारी रेशियो हमने सीखी थी, इनमें से अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हैं। तो कुछ रेशियो जिनको मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फर्स्ट फोर रेशियो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। नंबर वन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकेंड इसके अंदर रहेगी हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो। थर्ड ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कौन सी इसमें है, इसमें पहले ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन चार रेशियो के फार्मूले जो है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन सभी रेशियोज के अंदर एक खास बात है कि आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट पता चल पा रहा है, लाइक नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट का कंफर्म है, हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरे वाले पार्ट में नेट प्रॉफिट कंफर्म्ड है, नेट प्रॉफिट। तीसरे में ऑपरेटिंग रेशियो है, तो ये ऑपरेटिंग का मतलब एक्सपेंस होता है, पहले मैं बता दूं। बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग वैसे प्रॉफिट भी होता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग लिखा हो तो उसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन सभी फार्मूले में सिर्फ एक पार्ट हमें नाम में नजर आया, और वो जो नाम नजर आया वो हमने लिख दिया। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जितने भी प्रॉफिट या एक्सपेंस होते हैं वो सारे किससे क्रिएट होते हैं, किस पे जनरेट होते हैं, सेल्स के ऊपर। इसलिए इन सभी फार्मूले में दूसरा पार्ट क्या रहेगा, नेट सेल्स। सभी के अंदर दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे, नेट सेल्स, और यहाँ पे भी नेट सेल्स। क्लियर है? उसके बाद ये सभी फिगर बहुत छोटी भी आती हैं, इसलिए बड़ा करने के लिए, आसान समझने के लिए क्या करते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि किस में कन्वर्ट हो जाए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। सबको क्लियर है ये बात? अब मेन पार्ट इसके अंदर आता है कि ये प्रॉफिट हमें मिलेंगे कहाँ से। जितने भी ये प्रॉफिट है वो हमें, अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से नजर आएंगी सारी चीजें। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ से नजर आएगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। बट उसमें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर नहीं आता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस साफ साफ नजर नहीं आता। इसलिए ये चीजें कहाँ नजर आती हैं, ये चीजें नजर आती हैं कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में बनाई जाती है उसको डिस्कस करूंगा, जिससे कि हमें ये सारी की सारी टर्म्स कहाँ कहाँ छुपी होती हैं वो पता चल जाए। ये जो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, आपके असाइनमेंट में पेज नंबर 28 पे ऑलरेडी गिवन है। मैं उसे यहाँ पे लिखने वाला हूँ, और उसकी जो स्टेजेस, कौन सी स्टेज पहले आती है, कौन सी स्टेज बाद में आती है, और किस तरीके से ये नाम लिखे जाते हैं, उनको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो जब इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसमें शुरुआत जो होती है वो किससे शुरुआत होती है, हमेशा सेल से शुरुआत होती है। सबसे पहले हम बोलते हैं भैया हमारे को रिवेन्यू कितना मिला, सेल्स को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी आपको नाम नजर आ सकता है। फिर इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट में शो होने वाले सभी एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं उन सबको मिला जुला के एक नाम दे दिया जाता है, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ जाता है, इसमें परचेज भी आ जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आ जाते हैं, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस भी हो गया होता है। तो एक तरह से पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है, जितने भी एक्सपेंस लेकर आता है अपने साथ, वो सब किस नाम से लिखे जा सकते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको अगर हम यहाँ से माइनस कर दें तो हमारे पास जो बच जाता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया, बचा क्या हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या बचते हैं हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस तो आ गए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो आ गए, अब बचे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद माइनस करते हैं। पहले हमने माइनस किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब क्या माइनस करेंगे, अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और दूसरा क्या माइनस करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अपने ऑफिस को संभालने के जितने खर्चे होते हैं वो भी माइनस कर दिए, और उसके बाद सेल करने से जुड़े एडवर्टाइजमेंट है और दूसरे हमारे खर्चे हैं वो, उन सबको भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां तक जितने भी हमने खर्चे माइनस किया, इन खर्चों को हम बोलते हैं हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को मैनेज करना।
अभी तक जो भी हमने कुछ माइनस किया वो सब बिजनेस को मैनेज करने के खर्चे, सामान बनाने के खर्चे ये रहे, और बाकी ऑफिस और शोरूम को मैनेज करने के खर्चे ये रहे। इसके बाद अगर आपको कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो बिजनेस मैनेजमेंट खर्चा नहीं है, वो फाइनेंस का खर्चा हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे पास पैसे की कमी हो तो आपने लोन ले लिया हो, लेकिन ये ध्यान रखना बिजनेस मैनेजमेंट का खर्चा नहीं है, ये तो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक थी उसके लिए तुम्हारे को पेनल्टी देनी पड़ी। दो लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं, एक ने अपना पैसा डाल के बिजनेस किया, एक ने उधार डाल के बिजनेस किया, तो जो अपना पैसा डाल के करेगा उसके लिए इतना काफी होगा, जो उधार से करेगा उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैनेज करने के लिए तो इतना ही खर्चा चाहिए, बाकी फाइनेंशियल नीड की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ सकती है। हो सकता है तुमने कोई मशीन बेची, उसके अंदर नुकसान हो गया, लेकिन क्या वो बिजनेस मैनेज करने का खर्चा था? मैनेज करने का खर्चा नहीं था, वो अदर लॉस था। हो सकता है फैक्ट्री में चोरी हो जाए, आग लग जाए, क्या वो बिजनेस को मैनेज करने का एक्सपेंस है? नहीं। आपको कहे सर बिजनेस मैनेजमेंट का खर्चा नहीं, ना तो वो सेल करने के लिए जरूरी है, ना ऑफिस को संभालने के लिए जरूरी है, ना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जरूरी है, वो तो हमारा बैड लक है। तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, उन्हें बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी तक मैंने सभी खर्चे जो लिखे हैं वो सभी टाइप के बिजनेसमैन को करने हैं, जो अपना पैसा लगाएगा उसको भी करना है, जो अपना पैसा नहीं लगाएगा उसको भी करना है, जिसका बैड लक हुआ उसको भी करना है, जिसका गुड लक है उसको भी करना है। तो यहां तक जो खर्चे हमने लिखे उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस तीन कैटेगरी में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंस हो सकते हैं, और सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो सकते हैं। इनसे हटके अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि वो नॉन बिजनेस है। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए सभी के सभी, कुछ फर्स्ट पार्ट में और कुछ सेकेंड पार्ट में, तो अब जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉर्मली ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट बनाते समय ये वाली स्टेज नहीं निकलती, उसमें सीधा ही नेट प्रॉफिट निकलता है, लेकिन अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाए तो उसमें आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब ये जो मैं बैड लक एक्सपेंस की बात कर रहा था, फाइनेंस चार्जेस की बात कर रहा था, उनको माइनस किया जाएगा। सबसे पहले आप इसमें माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस। अगर आपको बिजनेस को चलाते समय कोई ऐसा खर्चा मिलता है जो कि बिजनेस को मैनेज करने का नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो आप उसे क्या कहेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसमें लॉस भी कवर है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये इस तरह के जो लॉस होते हैं, क्योंकि पहुंचना तो नेट प्रॉफिट पे ना, तो खर्चे तो सारे माइनस होंगे, लेकिन कैटेगरी वाइज मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले माइनस किए, फिर बाकी ऑफिस मैनेजमेंट के खर्चे बाद में माइनस किए, अब जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस है उनको माइनस कर देंगे, क्योंकि फाइनल टारगेट नेट प्रॉफिट पे पहुंचने, और नेट प्रॉफिट पे तभी पहुंच पाओगे चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, माइनस तो करना पड़ेगा एक्सपेंस है तो। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई आपको इनकम मिल जाए जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रेंट रिसीव्ड हो गया, अब इनकम तो ये है लेकिन ये बिजनेस इनकम नहीं है। जो भी बिजनेस के आउटसाइड बिजनेस इनकम और एक्सपेंस आती है उनको हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अगर कोई आ जाए तो। इसके बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमने बिजनेस के सभी एक्सपेंस और लॉस माइनस कर दिए। अब अगर हमने लोन लिया है, और ध्यान रखना अगर लोन नहीं लिया तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर लोन लिया है तो हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। माइनस करेंगे हम अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम पहले माइनस करेंगे। अभी तक मैंने लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हमेशा पहले माइनस करना। क्यों माइनस करना पहले? क्योंकि इंटरेस्ट देने से इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा। कौन ऐसा है जो फालतू इनकम टैक्स भरना चाहता है? हर कोई क्या चाहता है? कम से कम इनकम टैक्स दिया जाए। तो पहले अपना एक इंटरेस्ट माइनस कर दो ताकि इनकम कम हो जाए, और इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। अगली स्टेज क्या आ जाएगी? इसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट दे चुके हैं, टैक्स अभी नहीं दिया, और इसी के ऊपर हमें देना पड़ेगा टैक्स, जो भी परसेंट हो जाएगी, जो कि होगी इनकम टैक्स। जैसे ही हम इनकम टैक्स दे देंगे फिर हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इस स्टेज को बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि किस नाम से वो लिखा जा सकता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आप एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं उसमें आपको दो ही प्रॉफिट नजर आते हैं, नंबर वन आपको ग्रॉस प्रॉफिट नजर आता है और नंबर टू आपको नेट प्रॉफिट नजर आता है। बीच की स्टेजेस नॉर्मल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नजर नहीं आ सकती, लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट बनाए तो हमें बीच की भी बहुत सारी स्टेजेस नजर आ सकती है।
यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट हो गया, मतलब यहाँ पर अब आपने जो नेट इनकम अर्न की वो आपको पता चल गया। अब इस इनकम का क्या करना है ये कंपनी की अपनी मर्जी है। कंपनी क्या करती है नॉर्मली इस इनकम का, इस इनकम को वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ध्यान रखना, अब बाहर वालों का हिसाब हो चुका है, सरकार को भी टैक्स दे दिया, अब सिर्फ घर के लोग बचे। घर में कौन टाइप के लोग हो सकते हैं, कंपनी में दो टाइप के लोग हो सकते हैं, नंबर वन इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अब जो भी कंपनी ने कमाया है वो सारा कमाई जो है वो अपने पास ऐसे रोक के नहीं रखती, बल्कि उसको क्या करती है अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले वो किनको कॉल करती है, किनको पहले प्रॉफिट देती है, प्रेफरेंस को, क्योंकि उनको हमने बोला ही है प्रेफरेंस देंगे, तभी तो नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, कुछ परसेंटेज हम प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद बाकी जो हमारे पास बचेगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये बाकी जो बच गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद क्या बचा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर भी सारा जो प्रॉफिट बचा उसे अपने घर नहीं ले जाते। एक बिजनेसमैन भी अगर एक साल में बिजनेस में मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए कमाए, तो 2 के 2 लाख नहीं खर्च करता, उसमें से 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख वो खर्च कर देता है, बाकी पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है ताकि बिजनेस आगे ग्रो करे। तो ये सारी इनकम अब किसके हाथ में आ गई है, इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में आ गई है। लेकिन ये मत सोचना इक्विटी शेयर होल्डर लास्ट में जो बचा सारा ही खर्च कर देंगे, कुछ परसेंट इसमें वो खर्च जरूर करेंगे। जो वो खर्च करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विटी डिविडेंड। जो उनको हमने खर्चे में के लिए देना उसको क्या बोलना है, इक्विटी डिविडेंड। और लास्ट में जो बच जाएगा उसे वो री इन्वेस्ट करने के लिए रख लेंगे, मतलब इसे रिटेन अर्निंग बोल सकते हैं। ये पैसा उन्होंने रिटेन कर लिया, और ये जो पैसा रिटेन कर दिया ये प्रॉफिट कहाँ पे शो किया जाएगा, प्रॉफिट इन बैलेंस शीट, उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एज ए रिजर्व या फिर एज ए रिटेन अर्निंग या बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात सबको समझ आ गई है। तो हमारी ये जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें 8 स्टेजेस तक हो सकती है। ये सारी के सारी स्टेजेस आपको पेज नंबर 28 पे 22 पॉइंट के अंदर गिवन है इनकम स्टेटमेंट। और ये जो इनकम स्टेटमेंट बनती है वो हमेशा इसी फॉर्मेट में भी बनती है। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ये मस्ट है, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और नेट प्रॉफिट निकलेगा, चीज़ें आगे पीछे नहीं हो सकती। इनकम स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट 6 बार 6 डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड हो सकता है, 6 नहीं बल्कि 8, 8 डिफरेंट स्टेजेस हमारे सामने हो सकती है। और इसमें वो सारी की सारी सिचुएशन जो मुझे इस फार्मूले के लिए चाहिए वो नज़र भी आएंगी आपको। नंबर वन ग्रॉस प्रॉफिट, देखो यहाँ पे नज़र आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर टू नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट। नंबर थ्री इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें तुम्हें जोड़ने पड़ेंगे, 3 खर्चों को ऐड कर लेना। कौन कौन से एक्सपेंस, नंबर वन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नंबर टू ऑफिस एक्सपेंस और नंबर थ्री सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड कर लो तो क्या बन गया हमारा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे ही आपने इन तीनों को लेस किया होगा आपके पास जो बच गया वो क्या बच गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये देखो इतनी सारी चीजें इसमें आ रही है। उसके अलावा अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो 2 फार्मूले और है, 2-3 फार्मूले, उसके अंदर जो प्रॉफिट की नीड है वो भी यहीं से नजर आएगी। फिफ्थ फार्मूला इसके अंदर मैं भी लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन थोड़ा बाद में करूंगा। नेक्स्ट इसमें फार्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, पेज नंबर 26 के ऊपर की बनाइए। अगर तुम चेक करोगे ROI तो इसमें भी जो प्रॉफिट नीडेड है वो इसी स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं होगा। इसमें जो प्रॉफिट नीडेड है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा इसको भी, लेकिन सबसे पहले ये देखो ये वाला प्रॉफिट कहाँ पे है, ये वाला प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ना इंटरेस्ट दिया हो, ना टैक्स दिया हो, ना डिविडेंड दिया हो, तो अभी इंटरेस्ट ही नहीं दिया तो ना टैक्स और ना डिविडेंड, वो सब तो बाद की बातें थी। और इसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला है, इसके अंदर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर के फॉर्मूले देखो क्या नजर आएगा। अर्निंग पर शेयर में ये वाला प्रॉफिट नजर आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि कौन सी स्टेज इसमें और जरूरत पड़ रही है, इस स्टेज की भी जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में हमारे को बहुत सारे फार्ले ऐसे हैं जो कि अपनी नीड यहां से पूरी कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के थ्रू ही आप ये सारे के सारे फार्मूले यूज़ कर पाएंगे। जब तक इनकम स्टेटमेंट नहीं आप जानेंगे तब तक इनमें से किसी ना किसी फार्मूले में अटकते रहेंगे।
ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट, और अब इसमें कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, पांच इसमें स्टेजेस की जरूरत इन फाइलों में हमें पड़ रही है। सबको क्लियर है ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी? अच्छा, अब इसको यूज कैसे करेंगे? क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लगता है, एक क्वेश्चन जब आएगा तो वो पांचों स्टेजेस का अमाउंट आपको देगा? आपको ये पांचों फाइलें, छह के छह फाइलें दे दी, भैया सारे फाइलें निकालो, तो आपको छह के छह, पांच के पांच आंसर सारे देगा? वो आपको कोई एक प्रॉफिट बताएगा, सिर्फ एक प्रॉफिट इनमें से, कहेगा बाकी खुद निकाल लेना, सिर्फ एक प्रॉफिट बताएगा तुम्हें इनमें से? कोई एक स्टेज बता देगा? सारी स्टेजेस थोड़ी बताएगा कि हाँ जी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक क्लू से सारे के सारे प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। कैसे उस क्लू को हम इस्तेमाल करेंगे वो जरा समझ लें। मैं इस इनकम स्टेटमेंट से फाइलें जनरेट कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ किससे। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपना रही है, बाकी सारे मैं हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैसे निकल सकता है? वो कहीं से भी हमें कोई भी फिगर दे सकता है क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में। हमें उसने सेल्स दे दिया, अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की बात करूंगा, तो सेल्स आपको दे दिया मतलब आप यहाँ पे हैं और आपको कहाँ पे आना है, ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ आना है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप कहोगे सर सेल्स पे आपको खड़ा कर दिया गया है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट पे आना है, तो बीच में एक ही एंट्री आई है, कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको माइनस कर देना, जवाब आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सेल्स ही क्वेश्चन मिले, हो सकता है तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाए। ये नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया और पूछे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको यहां से वापस यहां पे आने, बैक आने। आप हमेशा इस चीज पे फोकस करना कि आप कहां हैं और कहां जाना है। इस समय हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बीच में कितने डील हुए हैं। बीच में सिर्फ दो डील है और दोनों माइनस करने के बाद नीचे हम पहुंचे हैं, तो कुछ फिगर यहां पे बड़ी नहीं होनी चाहिए, यहां पे तो वो फिगर माइनस नहीं होगी जो यहां तक आते आते माइनस हो गई है। तो जो कुछ भी बीच में माइनस हुआ था उसको क्या करना पड़ेगा, उसे प्लस करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप आगे निकल गए तो पीछे आने के लिए आपको सारा का सारा काम उल्टा करना पड़ेगा, और कितना उल्टा करना है ये भी आपको नजर आ रहा है। सिर्फ दो चीजों को आपको इसमें प्लस करना है, कौन सा, एक तो ऑफिस एक्सपेंस और दूसरा सेलिंग एक्सपेंस। आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। पहले वाला फार्ला तो आपको नोट्स में मैंने दिया है, लेकिन दूसरा फार्ला मैंने नहीं दिया, मैं दे भी नहीं सकता, कितने फार्ले दूंगा। हो सकता है आपको अगले सवाल के अंदर कहाँ से शुरुआत करनी पड़े, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से शुरुआत करनी पड़े, तो अब आपका फार्ला डिफरेंट नहीं बनेगा। अब आपको कहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया, मैंने आपको खड़ा कर दिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैं तुम्हें कहूंगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करो, तो बीच में कितनी एडजस्टमेंट हुई है, बीच में चार एडजस्टमेंट हुई है, बीच में एक स्टेज है उसको तो हटाओ, एडजस्टमेंट तो चार ही हुई है, और चारों की चारों एडजस्टमेंट जो प्लस वाली थी वो किस में हो जाएंगी, माइनस में, और जो माइनस वाली थी वो प्लस में। इसका मतलब मेरा फार्मूला क्या बनेगा, मेरा फार्मूला बनेगा माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो सारी चीजें इसी सीक्वेंस में लिखूंगा, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस और प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस। नहीं, ये फाला नहीं होना चाहिए इसका, और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है मैं और नीचे हूँ, तो आपको ऑन द स्पॉट फाला क्रिएट करना पड़ेगा। और ये फाला तो सिर्फ किसके चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट के फाले, देखो कितने सारे बन गए। अब पहले आपको सिर्फ मैंने एक ही फाला बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का, कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, सिर्फ एक फाला नहीं है, बहुत सारे फाले। बैलेंस शीट के प्रॉफिट से निकालोगे तो अलग फाला बनेगा, नेट प्रॉफिट से निकालोगे तो अलग फाला बनेगा, और अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का पता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किसे लेना है किसे छोड़ना है। अभी राइट नाउ अगर वो मुझे इंटरेस्ट देगा तो मुझे फाड़ने में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट तो अभी तक बीच में डाला ही नहीं है, जो बीच में है उसी को तो फाड़ने में लिखना है, जो इसके फालतू बाहर है उसको क्या लिखूंगा। तो आपको इस इनकम स्टेटमेंट से ही पता चल पाएगा कि किन चीजों को लेना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। जो कुछ भी बीच में आ गया वो सब यूज होगा, जो बाहर आ गया वो यूज नहीं होगा। अब मैं कहता हूं दूसरा क्वेश्चन करने लगे, उसमें उसने पूछ लिया भाई हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल के दिखाओ, तो हम कहेंगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब कौन सी स्टेज नीडेड है, हमें थर्ड स्टेज नीडेड है, यहाँ पे पहुंचना है। अब क्वेश्चन में आपको सीधा ये मिल जाएगा, जरूरी नहीं, क्योंकि रेशियो तो सारे निकालने, सारे प्रॉफिट तो कभी भी नहीं देगा वो, उसने हमें नेट प्रॉफिट पकड़ा दिया, हम समझ जाएंगे नेट प्रॉफिट माने यहाँ पे हमें छोड़ा गया, अब यहाँ से यहाँ वापस आने तुम्हें, तो बीच में जितनी भी एडजस्टमेंट है उन पर ध्यान दो, बीच में चार एडजस्टमेंट हुई है,
सिर्फ वो चार एडजस्टमेंट यूज की जाएंगी। यहां से शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट से, सबसे पहले इस इनकम टैक्स को क्या करेंगे प्लस, फिर उसके बाद इंटरेस्ट को क्या करेंगे प्लस, उसके बाद माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ आ रही बात ये? तो ये फार्मूला आपको उसी वक्त बनाना पड़ेगा। आप याद कितने फार्मूले कर लोगे, दो कर लोगे, चार कर लोगे, छह कर लोगे, लेकिन इतने सारे अनलिमिटेड फार्मूले बनेंगे इसमें, तो किस किस को याद करोगे तुम? और हो सकता है कभी तुम्हें सेल्स की जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता सेल्स की जरूरत पड़ जाए, सेल्स भी सीधा सीधा ना बताए, तो ये फार्मूला ध्यान रखो तुम्हें सेल्स तक पहुंचा देगा ये, तो ये कहेगा यहां से सेल्स तक भी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके लिए तुम्हें टोटल कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक दो तीन चार पांच छह और सात एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बीच की स्टेजेस निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवन एडजस्टमेंट करके आप कहां तक पहुंच सकते हो, सेल्स तक भी पहुंच सकते हो। क्या रहेगा यहां से फार्मूला, प्लस इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस ऑफिस एक्सपेंस और प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेल्स का फार्मूला कभी लिखवाया नहीं ये फार्मूला मैंने, शायद कभी लाइफ में यूज भी ना करना पड़े ये फार्मूला, लेकिन फार्मूला बन सकता है, जरूरत पड़ने पर हम इस इनकम स्टेटमेंट से फार्मूला बना सकते हैं। और यहां से आगे अगर जाना है, आगे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक अगर आना है तो सारी जो बीच की चीजें वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। आगे अगर बढ़ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दूं और बोलूं मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल के दिखाओ, तब तो तुम्हें आगे बढ़ना ना। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां से शुरुआत की है, अब जो लिखा है उसी सीक्वेंस को आगे बना लो। यहां से शुरुआत करना, चार एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस सॉरी माइनस इंटरेस्ट और माइनस टैक्स। सबको क्लियर है? तो ये इनकम स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स और माइनस होता है, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस होते हैं तो क्या आता है, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होंगे प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस, फिर जो आ जाएगा उसको क्या नाम देंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। या आगे पीछे नहीं हो सकते, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सीधे टैक्स दे देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहले अपने खर्चे माइनस करेंगे, टैक्स तो बाद में आएगा। अब यहां पे टैक्स भी अभी भी नहीं देगा, वो कहेगा पहले एक खर्चा मेरा बचा हुआ है उसका बेनिफिट तो ले लूं, इंटरेस्ट, उसके बाद क्या देगा वो टैक्स। पहले डिविडेंड देना चाहे कोई दे ही नहीं सकता, जब तक बाहर वालों का हिसाब नहीं होगा डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दोगे, इसलिए आपको सीक्वेंस ये मिलेगी। यहां पे आ गया नेट प्रॉफिट, अब डिविडेंड पहले इक्विटी को नहीं दे सकते, लॉ परमिट ही नहीं करता, वो कहता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिसाब करो फिर इक्विटी का हिसाब करना, तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा उसके बाद ही किसका आएगा, इक्विटी का डिविडेंड आएगा, और जब बच जाएगा उसे क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आप ये सारे की सारी स्टेजेस जो है वो निकाल पाएंगे। बिना इनकम स्टेटमेंट के एक दो स्टेजेस जो तुक्के में तुम्हारी निकल जाएंगी या जो उसने सिंपल बताई होंगी वो तो हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा भी स्टेज उसने आगे पीछे कर दी तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है।